अब यार आज का ये जो गेम है ना, ये थोड़ा सा मतलब फनी, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा क्यूट टाइप में होने वाला है। बिकॉज यार यहाँ पे देखो, हमारे जो दो रैंडम टीममेट है ना भाई साहब, इनके साथ चलने वाली है हमारी भाई साहब किलो की रेस सही में। और एंड में तो जाकर तुम देखना भैया, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर ऐसे बंदे मारने के पीछे भगेंगे कि भाई तुम पूछो ही मत। लेकिन भैया देखने वाली बात ये है, क्या हम इनसे ये किल की रेस जीत पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन उससे पहले तुम देखो भैया, हम सब मिलकर कूद चुके हैं भैया जॉर्जिया पूल में, एंड उतरते ही देखो तुम ये वाला क्लच। अरे वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं, कहीं जब भी रिवाइव मिल जाएगा उसके बाद क्लच भी आएगा, टेंशन मत लो। तुम बस थोड़ा सबर करो, मेरी बात तो यकीन करो, सी में क्लच होने वाला है यार। कंटेनर के अंदर बंदे रिवाइव दे रहा है क्या? अब यार ये बंदे को तो पता नहीं कैसे ग्लिच, किसके पैर दिख रहे थे भैया, बाहर से फिनिश कर दिया गया। लेकिन एक बंदा अंदर और है। ओ लो भाई साहब, ये हमने लिया अपना बदला। और साथ ही साथ ये वाला कैसे में कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। बिकॉज जॉर्जियो पूल में बस इतनी दवाई थी, लेकिन भैया ऐसा नहीं है कि आगे दवाई खत्म, बल्कि अभी तो सिटी में ढेर सारे बंदे हैं। Watch out! ये बेचारा फ्लैंक फ्लूंग लेकर जा रहा था सामने वाली स्क्वाड को मारने के लिए, लेकिन तुम्हारे भाई ने कर दिया इसे नॉक। और उसके बाद तो भाई साहब, इससे पहले कि हमारी टीम मेट आ जाए, मैं तो चल पड़ा भाई साहब। और भैया यहाँ पे दो किलो को तो बिल्कुल कंफर्म तरीके से कंफर्म कर दिया है। लेकिन भैया यहाँ पे वो बंदा कहाँ जिसको मैंने स्टार्टिंग में नॉक करा था, उसका किल अब तक आया नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ से भी मेरे को एक जो फायरिंग साउंड आए थे, बट कोई दिख नहीं रहा यार। अच्छा तो तुम यहाँ बैठे थे, और अच्छा तो तुम वहां बैठे थे। फिलहाल तो कहीं यहाँ पे जो भी है, लेकिन एक सेकंड के अंदर यहाँ पे दोनों स्क्वाड आपस में जो लड़ रही थी वो खत्म, ऐसा हमें लग रहा था सही में। बिकॉज सारे बंदे डायरेक्ट किल हो चुके थे, लेकिन भैया सब्र करो, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज तुम यहाँ देखो, जैसे हम निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं तो मेरा टीममेट कॉल देता है कि एक बंदा इस बिल्डिंग में भी है। और देखो भैया, मुझे इसकी फुटस्टेप आ भी रहे हैं। भाई वो तो अच्छा बंदा था इसमें, जो भीतर रुककर भैया अपने टीममेट को पूरे कंफर्म नहीं करा, मतलब सही में यार यहाँ पे तो उसके पास पूरा पूरा चांस था, ये कंफर्म कर सकता था। लेकिन भला बाना था भैया, उसने ऐसा कुछ नहीं करा। तो फिलहाल तो गाइस यहाँ पे देखो भैया, अब हम फाइनली पहुंच सकते हैं कि तब भाई खत्म फाइनली जॉर्जिया पूल वाले इलाके की। तो भैया इसे गाड़ी को उठाते चलते जोन की तरफ। लेकिन तुम यहाँ सुनो भाई साहब, अभी तो जोन के बाहर ही है, और साथ ही साथ ये हो गया कुछ और बंदे स्पॉट। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कितने बंदे नॉक किए, लेकिन हाँ इतना है तो मैं भी थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई नहीं दे रही। मतलब देखो यार, कुछ तो हो रहा है सर्वर में, आई थिंक। पता लगाओ क्या हो रहा है। जी हाँ, वाईफाई हग दीज गाइस, नहीं आ रहा नेटवर्क। भाई कसम से दिमाग तो बहुत खराब हुआ, लेकिन वो तो शुक्र है मेरे स्प्रे में भाई साहब दोनों ही बंदे नॉक हो गए थे, मतलब फिनिश हो गए थे। लेकिन भैया अगर नहीं होते ना, चार बंदे गलती सामने होते, मैं तो नॉक प्लस फिनिश वहीं पे जाता। पर जो भी नेगेटिव बातें नहीं करेंगे भाई साहब, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करेंगे। तो फिलहाल तो एक और हमें फ्री फंड का किल मिल गया, तो जल्दी से भी कंफर्म करा और निकल लिए फिर से जोन की तरफ। और यहाँ फिर से देखो भाई साहब, अभी जोन में पहुंचे नहीं है, जोन के बाहर ही है। पता नहीं क्यों मैं अपने टीममेट से बोलता हूं, तो एक बार ड्रॉप लुटवा दो प्लीज। और तुम यहां देखो भाई साहब,
ड्रॉप तो बड़े मस्त तरीके से ढूंढ लिया, लेकिन सामने की तरफ एक बाइक खड़ी थी पता नहीं क्या, तो मैंने कहा भाई यार यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। सामने बाइक पड़ी है और भाई कसम से गड़बड़ तो बिल्कुल जस्ट बगल में लेटी थी। फिलहाल ये गड़बड़ तो फिर भी डिसेंट थी, मतलब ज्यादा भारी भरकम नहीं थी। अभी देखो थोड़ा सा आगे जाएंगे ना भाई साहब कितनी भयानक गड़बड़ मिलने वाली है, बिकॉज पहले लगा था ऐसे ब्रिज पे कौन ही कैंप कर रहा होगा, लेकिन भाई साहब आगे जाती हल्का सा। ये दिख गया मेरे को दूरवादी में बंदा। भाई कसम से यहाँ तो बाल बाल बचे, लेकिन भैया अब इतना है कि थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, बिकॉज एक बंदा ऊपर भी चढ़ के बैठा है। हाँ भाई साहब दूर वाला बंदा मैंने भर दिया और पास वाला बंदा आ रहा है, तो कुल मिलाकर ये दोनों बंदे तो यहाँ पे डाउन हो गए। लेकिन भैया यहाँ तुम देखो हमारे दोनों टीममेट भी डाउन पड़े हैं। अब फिलहाल यहाँ पे क्या ही किले चल रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग मार भी रहे हैं। लेकिन भैया अभी तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, अभी थोड़ी देर में भैया खतरनाक ही मारने वाले लौंडे भी। लेकिन उससे पहले भाई साहब हम यहाँ पे देखो फिर से जोन के बाहर आए, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता क्यों आए, लेकिन जो भी है भैया यहाँ पता नहीं हल्की सी गट फीलिंग आई कि बंदे हो सकते हैं। और तुम देखो भैया यहाँ पे बोट भी खड़ी हुई है, बंदे। डैमेज है पेड़ के पास, ये फ्यूल नहीं है, स्मोक में गया। और भाई साहब ये वाला क्लच तो उनके भाग का कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। लेकर आए थे नायक सबसे बंदों को बिल्कुल मौका दिया ही नहीं, और सोचते रहे होंगे मतलब बोट से आए तब भी मारेगा, कसम से करे तो करे क्या भैया, खर्च है हर जगह कैंप हो रखा है। लेकिन जो भी फिलहाल तो ये वाले बंदों को निपटा के जल्दी से निकलते जोन की तरफ, बिकॉज अब जोन बहुत गंदा काटने वाली थी। और तुम यहाँ किस्मत देखो, जैसे जोन में दाखिल हुए ना भैया ये देखी सामने फिर से गाड़ी। अब ये जो कूप है ना भैया सामने की तरफ रुक चुकी है, तो मैं जब टीम से बोलता हूँ एक ही बंदा है, चलो उसकी तरफ रश कर देते हैं। भाई यार कसम से एक गोली, मतलब एक गोली और मार देता तो किल मेरा होता। लेकिन नेवर माइंड, फिलहाल तो सामने की तरफ ढेर सारे बंदे हैं। और भाई साहब अब तुम यहां देखो भाई यार कि इन्हें मारने के लिए कैसे सब लोग अलग अलग गाड़ियां लेके भागेंगे। पीछे से कोई मार रहा है, ये देख रहे हो नंबर 3 अलग भाग रहा है, भाई साहब हम अलग भाग रहे हैं, नंबर 4 वो अलग गाड़ी में है। यहाँ पे भी गाड़ी है, यहाँ पे तो बैठी है। गाड़ी के पीछे यहाँ पे, गाड़ी के पीछे पड़ी। ओ ये भाई सीरियसली यार, जैसे तैसे रो धो के दो किल यहाँ पे लपेट लिए। लेकिन भाई कसम से यार फिलहाल तो यहाँ पे देखो टीम को रिवाइव दे ली से, और गाइस अब जोन में बचे मात्र 4 बंदे। और फिलहाल लग रहा था ऐसे हो सकता है 4v4 की बैटल हो, जितने के लोग वो तो भी पता चल ही जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम यहाँ देखो भैया, हम गड्डी को डाके तुरंत ही निकल लेते हैं, बिकॉज इससे पहले कि ये लोग आए और अपने किल चराए। बस गया, गाइस हो गया, किल मार दो, आ रहा है।
अब यार ये वाले बंदे को तो नॉक कर दिया, लेकिन तुम अभी यहाँ पे मैप में सुनना एक फायरिंग साउंड, ये आया पीछे की तरफ से। अब उसी डायरेक्शन को फॉलो करते करते हम थोड़ा आगे आए। हो लो भाई ये हो गया, ये करो ऑन द स्पॉट, ये ऊपर वाला पत्थर के बीच। अब ये थे हमारे टॉप के प्लेन वाले भाई साहब, जो कि भैया खतरनाक खेल रहे थे लेट लेट के, लेकिन जो भी फिलहाल तो इजी पीजी हो चुका है। यहाँ पे एक और प्यारा सा पिनर पिनर चिकन डिनर, और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रिजल्ट क्या है, मतलब यार कौन जीता हम चारों में से। खैर यार नंबर टू को तो हम खैर काउंटिंग में नहीं लेंगे, बिकॉज वो तो मेरे को खेलता ला रहा था, लेकिन आओ भैया हम तीनों में से कौन जीता आओ देखते हैं। तो भाई साहब अपन थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक तरीके जीत गए हैं। तो भाई अगर तुम्हारी वीडियो अच्छी लगी देख लाइक ठोक के लिए चलता हूँ।